हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ सबके सब मस्त होंगे। देखिए, ये जो हॉस्पिटल सेक्टर में आपका जॉब होने वाला है, इसमें सबसे पहले मैं आपका फायदा गिनती करवा देना चाहता हूँ। इसमें 10 तरीके के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और हम कहते हैं कि अगर आप जॉब्स करने जाते हो तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता। यहाँ पे देखिए, हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिलती है, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को आपका सैलरी मिलता है, वो भी टाइमली, ठीक है ना। सप्ताह में 1 दिन आपको छुट्टी भी देखने को मिलता है, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलेगा, यानी कि महीने में सिर्फ और सिर्फ 26 दिन आपको काम करने होंगे और महीना की 1 तारीख को सैलरी मिलेगा। देखिए, बहुत सारे कंपनीज का रूल्स अलग होता है, वो 15 तारीख को 20 तारीख को पे आउट करती है, बट यहाँ पे 1 तारीख को आपको पेमेंट देखने को मिल जाता है। ईएसआई मिलता है, राज्य रोजगार बीमा यानी कि ईएसआई कंपनी के तरफ से दिया जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ भी आपको प्रोवाइडेड होती है, 7 लाख का सुरक्षा बीमा होता है। यह हॉस्पिटल में काम करने के लिए अच्छा है क्योंकि सुरक्षा बीमा होना जरूरी है, आवश्यक है, तो 7 लाख का सुरक्षा बीमा भी आपका होता है। लीव प्रतिवर्ष 24 दिन की अतिरिक्त छुट्टी, देखिए यही बहुत बड़ा पॉइंट है। इवन की देखिए, आपको लीव मतलब 24 दिन का छुट्टी मिलेगा, वो पेड लीव मिलेगा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है वैसे लोगों के लिए जो कि सालों साल काम करते हैं, उसके बाद भी छुट्टी मिलता है, उसका पैसा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 24 दिन का पेड लीव आपको मिलेगा। हर साल आपको बोनस मिलेगा, यूनिफॉर्म और जूते मिलेंगे, बैंक में आपका सैलरी मिलेगा, सैलरी तो बैंक में ही मिलते हैं, तो ये सैलरी भी बैंक में मिलेगा, ये भी एक प्लस पॉइंटेड है। कंपनी में 5 साल की पूर्ण सेवा के कारण सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी भी आपको दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, यहाँ पे ये हो गई 10 पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ में संकलन किया, शेयर किया। चलिए टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, फिलहाल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्री जॉब स्थान है अंधेरी पश्चिम मुंबई, लोकेशंस में ये जॉब्स के रिक्वायरमेंट होने वाले हैं। वेल नामांकित अस्पताल में भर्ती है, वार्ड बॉय, पीसीए, एचसीए, काम करने के लिए पुरुष और महिला चाहिए, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों की भर्ती है। आप लोग ये ना सोचे कि वार्ड बॉय का जब हमने नाम लिया है आपके साथ में तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों की भर्ती चलेगी, जी नहीं, यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। भर्ती इस प्रकार से है, आपका एजुकेशन जो होना चाहिए कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। बिल अगर आप 8वीं पास नहीं है तो भी चलेंगे, इसका कोई ये नहीं है कि 8वीं पास होना जरूरी है, 5वीं पास भी चलेंगे, परंतु आपको सिग्नेचर कम से कम करना आना चाहिए, थोड़ा काम का अनुभव हो तो बेटर है, आपको काम का अनुभव रहेगा तो अच्छा रहेगा। आयु सीमा जो है 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, 18 से ऊपर होना चाहिए और 40 के नीचे होना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉकिंग्स करते हैं जिनका एज 45-50 का होता है, वैसे कैंडिडेट इसमें चलेंगे ही नहीं। रिज्यूम और आधार कार्ड तैयार करके लाना, आवश्यक दस्तावेज जो भी है मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आवश्यक डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस आईएसएस फैसिलिटी सर्विस के तरफ से रिक्वायरमेंट है। पेशेंट को संभालने के लिए 20 सीटें की खाली है, और यहाँ पे फायदा मैंने पहले ही गिना चुका हूँ, तो इसके बारे में बार बार हम आपके साथ में शेयरिंग नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, वार्ड बॉय का वेतन है 13,360 रुपए ग्रोस है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई इन हैंड सैलरी नहीं है, ये ग्रोस है, वही मैं आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूं। 1 घंटा का आप काम करोगे एक्स्ट्रा तो ओवर टाइम के रूप में 1 घंटा का 100 रुपए आपको मिलेंगे, 1 घंटा का 100 रुपया, 3 घंटा अगर काम होता है ओटी के रूप में तो 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कॉन्टेक्ट पर्सन रवि चौहान सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जॉब बिल्कुल मुफ्त है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप इस वीडियो को जहां तक हो शेयर कर सकते हैं, आपको भी पता है फाइंड जॉब्स वैकेंसी यूट्यूब चैनल पे जितने भी जॉब्स आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता। विल बाय।